VBN मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने VBN मैथ्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। फंक्शन की स्टडीज अब हम यहाँ पे कर रहे थे, जिसमें हमने साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन इसमें सीखा था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक। इससे पहले भी हमने कुछ एक फंक्शन यहाँ पे सीखे थे ग्राफिकली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सब। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स। अब इसका जो फोटो है, इसका जो फोटो है वो कुछ ऐसे बनेगा। इसका फोटो मैं छाप देता हूँ यहाँ पे। इसका जो फोटो है कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है साहब। ये जो फोटो है साहब ये किसका है, कोटेंजेंट फंक्शन का। कोटेंजेंट फंक्शन का फोटो है साहब ये, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे कोटेंजेंट जो जीरो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, और कोटेंजेंट जो पाई होगा, पाई बाई टू होगा, वो क्या होगा साहब, जीरो होगा। और ये बीच में लाइन है डॉटेड, ये पाई होगा आपका, ये फिर थ्री पाई बाई टू होगा, और सब ये जो है ये आपका टू पाई होगा, ऐसे ये क्या होगा आपका फाइव पाई बाई टू। और इधर चलते हैं सब, ये जो होगा आपका होगा माइनस पाई बाई टू, ये क्या होगा आपका माइनस पाई बाई टू। एज इट इज इधर चलेंगे तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आएगी जिसमें क्या होगा माइनस का पाई, ठीक है सब। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम इसमें फंक्शन की। सब क्या ये फंक्शन है, यस ये क्या है एक फंक्शन। फंक्शन कैसे है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल ग्राफ को अगर एक जगह कट करता है तो फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ को हर बार एक जगह कट कर रहा है साहब, तो यस इट इज ए फंक्शन, हम इसको सब फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। बात आती है साहब इसकी डोमेन की, डोमेन ऑफ एफ। अगर ये फंक्शन है तो साहब इसकी डोमेन क्या होगी, तो इस फोटो में आते हैं हम। डोमेन के लिए मैंने बताया था कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल और ये चेक कर कि कहाँ पर मतलब वैल्यूज मिल रही हैं, कहाँ पे नहीं मिल रही। वैल्यूज मिलने का मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल अगर ग्राफ को कट कर रही है वो तो डोमेन है साहब, नहीं तो डोमेन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ साथ बिल्कुल कट नहीं कर रही, मतलब जीरो पे कट नहीं कर रही, पाई पे कट नहीं कर रही, टू पाई पे कट नहीं कर रही, माइनस पाई पे लाइन कट नहीं कर रही, और हर जगह लाइन कट कर रही, मतलब किस शक्ल वालों पे साहब भी कट नहीं कर रही, पाई टू पाई जीरो पाई। और इनका जनरल नाम मैंने बताया था आपको, इनको बोलेंगे एन पाई, मतलब कि इसकी जो डोमेन होगी साहब वो रियल नंबर होगी छोड़ के एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, छोड़ के एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है साहब। आगे चलते हैं इसमें रेंज देखते हैं। रेंज देखिए साहब, रेंज बोले तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल ग्राफ को अगर वो लगातार कट कर रहा है, देखो नीचे की साइड भी बिलो में देखते हैं तो भी कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस से अबव देखते हैं तो भी सब वो ग्राफ को कट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो रेंज जो होगी वो रेंज होगी, वो होगी रियल नंबर। क्या होगी साहब इसकी रेंज, रियल नंबर, ठीक है। नीचे भी देखिए कट कर रहा है, हर जगह ऊपर भी कट कर रहा है, तो सब इसकी जो रेंज है फंक्शन की वो क्या है, रियल नंबर। क्या साहब ये बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड है, ये कर्व बाउंड हो रहा है, ये ऊपर भी बाउंड नहीं हो रहा है सब, और नीचे भी बाउंड नहीं हो रहा, तो हम इसको बाउंड नहीं कह सकते, ठीक है सब। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हम बता ही नहीं सकते कि ये कर्व कहाँ तक जा रहे हैं। जब सब इसमें जो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी वो है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और सब जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है एफ मिनिमम, वो भी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि साहब हम नीचे की तरफ इसमें नहीं बता सकते कि ये फंक्शन नीचे की तरफ कहाँ तक आ रहा है, तो सब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है सब वो दोनों की दोनों क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्या साहब ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक, क्या साहब पीरियोडिक है, यस ये क्या है एक पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन है सब इसमें जो कर्व है इसमें सेम शेप बनाता चल रहा है, कर्व जो है सब सेम शेप बनाता चल रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, पीरियोडिक। अगर ये पीरियोडिक है सब, इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड देखो, इसका पीरियड जो है ये भी पाई है, उसी की तरह जैसे टेंजेंट का था, इसका जो पीरियड है सब वो क्या है, टेंजेंट की तरह ही है पाई, क्लियर।
तो हमने यहाँ पे सीखा फंक्शन यस, डोमेन बताया, रेंज बताया, बाउंडेड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, पीरियोडिक और पीरियड इस फंक्शन का। तो सब इसमें एक एक चीज़ हमने डिटेल से सीखे हैं, और आप इसको ग्राफिकली दिमाग में सेट करिए, फोटो को दिमाग में क्लिक करिए। अगर फोटो दिमाग में क्लिक हो गई तो ये समझ लो आप इसको अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शन। बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको ये सारा टॉपिक करवा रहा हूं, आपके दिमाग में हर चीज सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं साहब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स, कोसेकेंट एक्स का जो ग्राफ बनेगा साहब वो साइन के ग्राफ के टूटने से बनता है। मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ। मान लो ये आपका क्या है साहब, साइन का ग्राफ है कुछ इस टाइप से, ये आप सीख ही चुके हो। ठीक है, देखो मैं सिखाता हूँ इसमें कोसेक का ग्राफ कैसे बनाओगे। दिमाग में सेट कर लेना साहब ग्राफ को, क्योंकि बहुत काम आएगी ये चीज़ हमें जब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखो इसको सीखिए। अगर मैं इसको साहब यहाँ से और यहाँ से तोड़ के अगर उल्टा कर दूँ तो कुछ क्या सेप बनेगी यहाँ पे, ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा ऐसा। मैंने क्या किया साहब, यहाँ से इसको तोड़ लिया और इसको ऐसे कर दिया साहब। इसको तोड़ के नीचे की तरफ कर दूँ, क्योंकि मैं साइन के ग्राफ को तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ। देखो इसको ऊपर की तरफ कर दिया साहब और इसको नीचे की तरफ कर दिया, तो नीचे की तरफ करूँगा तो साहब कुछ ऐसा नहीं बनेगा। देखो ऐसा इस टाइप से। ठीक है, अब इसको तोड़ के ऊपर की तरफ कर देते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा साहब। ठीक है, तो ये जो हमने फोटो बना दिया ये किसका बना दिया, कोसेक का। और इसको तोड़ के साहब नीचे की तरफ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा इस टाइप से। ठीक है, और आप यहाँ पे इस टाइप से कर सकते हो। तो ये साहब जो फोटो है ये किसका है, कोसेक एक्स का। देखो यहाँ पे ये एक डॉटेड लाइन है, ये एक डॉटेड लाइन का मतलब साहब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे वो कट नहीं कर रही वो लाइन इसको। ठीक है, कोई भी वैल्यूज नहीं है इस एक्स पे साहब, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। साइन जीरो जीरो होता है, पर साइन जो कोसेक जीरो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये टेबल आप टेंथ तक अच्छे से पढ़ के आए हो, ये जीरो तो सब ये क्या होगा फिर, ये पाई बाई टू होगा, ये आपका होगा पाई और ये आपका होगा 3π/2 और ये सब आपका होगा 2π और ये आपका होगा 5π/2 सब इधर पढ़ते हैं। इधर जो होगा ये होगा आपका माइनस का पाई बाई टू और ये आपका होगा माइनस का पाई और सब ये जो होगा आपका होगा माइनस का 3π/2 माइनस का 3π/2। ठीक है, और जो सब ये जो वैल्यूज है ना, ये मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये जो है 1 है और ये जो है साहब, ये जो है ये है आपकी -1। ये क्या है साहब, -1। तो एक एक चीज इसकी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन सब ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल, अगर कर्व को एक जगह कट करता है तो फंक्शन है, अगर दो जगह कट करती है तो फंक्शन नहीं है, एक ही लाइन। तो आप कहीं भी लाइन डाल के देख लीजिए, कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट करती है तो साहब ये क्या, एक फंक्शन है। यस, दूसरी बात करते हैं साहब, फंक्शन है तो इसकी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ एफ। फंक्शन की डोमेन कैसे चेक करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल, ग्राफ को कट करता है तो वहाँ पे डोमेन है, कट करना बंद कर दे वहाँ पे सब डोमेन नहीं है। तो देखी जाए तो इसमें इस सकल पे, जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, माइनस पाई पे कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इसकी जो डोमेन होनी चाहिए सारे रियल नंबर होनी चाहिए, छोड़ के माइनस कर दो एन पाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर।
तीसरी बात करते हैं सब रेंज की, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की रेंज। फंक्शन की रेंज मैंने बोला था कि कैसे देखेंगे आप, y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो, जहाँ पे ग्राफ को लाइन कट करती है वो रेंज में है और जहाँ पे कट नहीं करती वो रेंज में नहीं है। तो देखा जाए तो सब वन पे कट कर रही है, माइनस वन पे कर रही है, बीच में कहीं भी वो लाइन कट नहीं कर रही, और कर्व को ऊपर की साइड कहीं तक कट कर रही है और नीचे की साइड भी बहुत ज़्यादा दूर तक वो कट कर रही है। तो आप कह सकते हो इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज जो है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी, इसके बीच के नंबर इसमें नहीं है। सब मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ तक है, डज नॉट एग्जिस्ट। और सब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो पूछूं मैं आपसे, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एफ मिनिमम, वो भी क्या सब यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें पता ही नहीं नीचे कहाँ तक है ये फंक्शन। ठीक है, सब फंक्शन क्या बाउंडेड है, बाउंडेड है साहब ये फंक्शन, ये बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है बाउंडेड साहब, ऊपर की साइड भी एक कर्व बहुत ऊपर तक जाएंगे और नीचे की साइड भी साहब एक जो कर्व है बहुत नीचे तक जाने वाला है, तो साहब ये बाउंडेड नहीं है। क्या साहब ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक, यस साहब ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि सेम सेम बनाता हुआ चल रहा है ग्राफ, तो इसको आप पीरियोडिक बोल सकते हो। अगर ये पीरियोडिक है साहब तो इसका जो पीरियड है वो क्या है, इसका जो सब पीरियड है वो है 2π, इसका जो सब पीरियड है वो है 2π। तो हमने इसकी एक एक जानकारी ली है, फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, बाउंडेड पीरियोडिक और इसका पीरियड। तो सब आपने इसको एक एक अच्छे से आप इसको कर लीजिए, ठीक है, और जितना आप अच्छे से इस फोटो को ध्यान रखोगे उतना बेहतरीन कर पाओगे। फोटो को दिमाग में क्लिक करिए सीखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कोसेक फंक्शन है, जब भी अगर कोसेक की बात होगी तो फोटो दिमाग में आनी चाहिए, अगर फोटो दिमाग में सेट है तो डोमेन रेंज आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है सब। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम इसी में ही, इसमें नेक्स्ट जो फंक्शन है साहब वो है सीकेंट फंक्शन। f ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंट x, ठीक है। सीकेंट का जो फोटो बनता है साहब वो बनता है कोस के टूटने से, कोस का जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसा बना था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये कोस का ग्राफ है साहब, ठीक है। और सीकेंट का जो फोटो बनेगा सब वो बनता है कोस के टूटने से, ठीक है, कोस के टूटने से फोटो बनेगा। तो सब इसको तोड़ के ऊपर की तरफ ले जाऊं तो कुछ कैसा शेप आएगा अपना, ऐसे शेप आने वाले, ठीक है। सब इसको तोड़ के नीचे की तरफ ले आओ तो कुछ कैसा लगेगा, इस टाइप से, फिर नेक्स्ट में इस टाइप से, इसको तोड़ा सब ऊपर की तरफ भेज दिया और सब इसको तोड़ा तो नीचे की तरफ आएगा कुछ ऐसे, ठीक है सब। ये जो फोटो है सब ये किसका है, सीकेंट फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सीकेंट फंक्शन है उसका फोटो है सब ये, ठीक है। बात करते हैं जीरो पे, सीकेंट जो जीरो होगा सब वो क्या होगा, वन, ये आपका वन है, ठीक है, और ये आपका क्या है सब, माइनस वन, ठीक है। और ये जो नॉट डिफाइंड होगा ना वो होगा पाई बाई टू पे, कहाँ पे होगा, पाई बाई टू पे, ठीक है। आप इसको पाई बोलोगे साहब, पाई पे माइनस वन और फिर थ्री पाई बाई टू पे, फिर नॉट डिफाइंड और फिर टू पाई पे वन, और इधर चलते हैं, इधर आए तो माइनस पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड साहब और माइनस पाई पे माइनस वन, माइनस पाई पे माइनस वन। जो ये फोटो हुआ ये किसका हुआ बच्चे, ये जो फोटो है ये अपना है सीकेंट फंक्शन का, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की, फंक्शन सब क्या ये फंक्शन है, यस ये क्या एक फंक्शन,
फंक्शन की पहचान मैंने बताई है आपको कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल अगर कर्व को एक जगह कट करते हैं तो फंक्शन है साहब, नहीं तो फंक्शन नहीं है। तो हमने ऑब्जर्व किया वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल के कि कर्व को हर बार एक जगह कट कर दिए तो साहब ये क्या है, एक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डोमेन ऑफ एफ। अगर ये फंक्शन है साहब तो इसकी डोमेन चेक करते हैं। डोमेन के लिए भी मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल, जहाँ पे ग्राफ को कट नहीं करता वहाँ पे डोमेन नहीं है, और जहाँ पे कट करता है साहब वहाँ पे क्या है इसकी डोमेन। तो देखा जाए तो कि कहाँ कहाँ कट नहीं करता, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं उन पे कट नहीं कर रहा। इनका एक नाम दो तो मैं क्या होगा, टू एन प्लस वन इंटू में पाई बाई टू। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा सारे रियल नंबर होगा सब छोड़ के टू एन प्लस वन इंटू में पाई बाई टू, और एन जो किस में बिलोंग करेगा आपका इंटीजर में, एन जो है वो किस में बिलोंग करेगा इंटीजर में। बात आती है सब रेंज की, रेंज ऑफ एफ। रेंज के लिए क्या बोला था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल अगर कर्व को कट करता है तो सब वो रेंज में है, नहीं तो रेंज में नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे वन और माइनस वन के बीच में कहीं भी लाइन कट नहीं कर रही है, और वन से अबव भी कट कर रही है, और वन से जीरो से बिलो मतलब माइनस वन से बिलो वो क्या कर रही है कट, माइनस वन और माइनस वन से नीचे, और वन से ऊपर सब ये लाइन क्या कर रही है कट। तो यहाँ पे जो रेंज जो होगी फंक्शन की वो होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, वन से इनफाइनाइट। ठीक है साहब, वन से इनफाइनाइट। तो ये जो हुआ इसका सब रेंज हुआ। आगे चलते हैं साहब इसमें बाउंडेड, बाउंडेड क्या साहब ये बाउंडेड है। बाउंडेड के लिए क्या बोला था, अगर दो लाइन कर्व को अपने बीच में समेट ले तो बाउंडेड, नहीं तो बाउंडेड नहीं। तो साहब यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कीजिए, आप देखोगे कि कर्व नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कीजिए, आप देखोगे कर्व उस लाइन से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो साहब ये जो है ये क्या नहीं है, बाउंडेड। अगर साहब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखूँ तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू साहब हमें पता ही नहीं कि कर्व ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो आप कहोगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही। साहब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखो तो, साहब नीचे की तरफ भी हमें नहीं पता कि कर्व कहाँ तक जाएगा, तो साहब इसमें बोलोगे आप डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या साहब ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है साहब ये, यस ये क्या है साहब, एक पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक कैसे है साहब, अगर कर्व बार बार सेम शेप ले तो पीरियोडिक होगा। देखो यहाँ पे ये जो कर्व है बार बार क्या ले रहा है, सेम शेप, इस साइड भी और इस साइड भी, तो साहब ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। और पीरियड किस कितना है साहब इसका, इसका जो पीरियड है साहब, इसका जो पीरियड है वो देखो कितना है। अगर आप यहाँ से कट करो ये चीज प्लस ये चीज, ठीक है, प्लस ये चीज, और इसको इसी चीज़ को आगे एडजस्ट करें तो आगे ये मिलने वाला है और फिर ऐसे मिलने वाला है। तो इसका पीरियड देखा जाए तो साहब टू पाई है, जो कहाँ से काउंट करते हैं हम, जीरो से। तो साहब इसमें हमने एक एक चीज़ अच्छे से सीखी है, फंक्शन की डोमेन, रेंज, कोडोमेन, कोडोमेन नहीं डोमेन, रेंज, और ये फंक्शन है यानी बाउंडेड, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, क्या फंक्शन पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो साहब फंक्शन का पीरियड क्या है। तो एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या होते हैं साहब, पीरियोडिक। ये आप ध्यान रखिए, जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साहब वो क्या होते हैं, पीरियोडिक। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और साहब हर फंक्शन को आप कैसे ध्यान करोगे, हर फंक्शन की डोमेन रेंज आपको कैसे याद रहेगी, अगर आपके दिमाग में अगर फंक्शन की फोटो है तो आप एक एक चीज़ को डिटेल में बता सकते हो। तो प्लीज़ आप ये फोटोज़ आप अपने दिमाग में सेट करिए और फिर उसकी डोमेन रेंज बताने की कोशिश करिए। ठीक है, रट्टे ना लगाए, रटने से ये नहीं होंगे याद, मैं बार बार कह रहा हूँ। फंक्शन को अगर आपको अच्छे से करना है तो आप ग्राफिकली फंक्शन को सीखिए, आपका पढ़ने का मजा कुछ और ही होगा। ठीक है साहब, आगे का जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो आने वाले वीडियो है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू।